मधुबन न्यूज के फास्ट न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। राजकोट के टीआरपी गेमिंग जोन में लगी आग में जान गंवाने वालों की स्मृति में भोपाल के सुख शांति भवन में रखी गई श्रद्धांजलि और प्रार्थना सभा। बीके दुर्गा, बीके हेमा, बीके डॉक्टर दिव्यानी समेत अनेक बीके सदस्यों ने लिया हिस्सा। मृतक बच्चों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही उनके परिवार वालों के लिए मोमबत्तियां जलाकर की गई शांति की कामनाएं। मध्य प्रदेश के लखनादौन में मनाया गया रजत जुबली कार्यक्रम। इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशक बीके हेमलता, भिलाई सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा, सिवनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति, नगर परिषद अध्यक्ष मीना बलराम गुल्हानी समेत अनेक विशिष्ट लोग शामिल। चेन्नई के हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर में ड्वेल एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन। आईटी विंग द्वारा 3 दिवसीय आयोजित डिजिटल वेलनेस कार्यक्रम में तमिलनाडु जोन के सर्विस कोऑर्डिनेटर बीके बीना, अध्यार के निदेशक बीके मुथुमणि, अशोक नगर के डायरेक्टर बीके देवी, सर्स इंक डिजिटल वेलनेस कोच बीके बाला किशोर, बीके वसुंधरा, बीके जयश्री ने लिए सेशंस। डिजिटल वेलनेस टेक्निक्स, सेल्फ टॉक एंड डिजिटल डिटॉक्स एक्सरसाइज, पैनल डिस्कशन जैसे कई प्रोग्राम आयोजित। पुणे के एमपीएफ यूथ ने आशीर्वाद समारोह की मेजबानी की और नए निदेशक मंडल को सम्मानित करने व शामिल करने के लिए आयोजित किया गया कार्यक्रम, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बीके सरिता हुई आमंत्रित। बीके सरिता ने द आर्ट ऑफ वेलबींग विषय पर दिया व्यवहारिक ज्ञान। महाराष्ट्र के सटाणा में राजयोग से उपचार विषय पर डॉक्टर्स के लिए कार्यक्रम। शहर के एमडी, एमएस, जनरल प्रैक्टिशनर तथा लैब के अनेक चिकित्सकों ने लिया हिस्सा। डॉक्टर सचिन परब ने राजयोग से उपचार होने में कैसे मदद मिलती है इसकी जानकारी दी, तो आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर किरण अहीर ने राजयोग के सुनाए लाभ। छत्तीसगढ़ बालोद के आमापारा सेवा केंद्र पर चल रहे 5 दिवसीय समर कैंप का समापन समारोह, कई प्रकार की गतिविधियां शामिल। संयुक्त जिला कलेक्टर पूजा बंसल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके विजयलक्ष्मी ने अपने उद्बोधन में बच्चों से कहा कि अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बनाने के लिए सुबह उठकर भगवान से प्रार्थना करें और बड़ों का सम्मान कर उनका कहना माने, तभी हमारा आंतरिक विकास संभव है। ग्वालियर में माधवगंज सेवा केंद्र पर बाल व्यक्तित्व विकास शिविर के दूसरे और तीसरे दिन सेवा केंद्र प्रभारी बीके आदर्श, बीके डॉक्टर गुरुचरण सिंह, पीएचई के पूर्व सब इंजीनियर बीके गुप्ता, वैश्य महासम्मेलन के जिलाध्यक्ष ज्योति बंसल और बीके प्रहलाद समेत कई विशिष्ट लोग शामिल। जीवन में गुणों का महत्व बताने के साथ ही प्रकृति संरक्षण के लिए पेड़ लगाओ, सिंगल यूज प्लास्टिक को उपयोग बंद करने और स्वच्छता जैसी मुख्य बातों पर बच्चों का खिंचवाया ध्यान। दिल्ली के जयनगर सेवा केंद्र पर बड़े ही उमंग उत्साह के साथ मनाया गया समर कैंप। बीके सुनीता ने बच्चों से कराई कई प्रकार की गतिविधियां, कहा पढ़ाई के साथ साथ स्वयं परमात्मा को भी याद करना चाहिए। राजस्थान में टोंक सेवा केंद्र पर 6 दिवसीय समर कैंप संपन्न। बच्चों के नैतिक, आध्यात्मिक एवं चारित्रिक गुणों को निखारने पर दिया जोर। सेवा केंद्र प्रभारी बीके अपर्णा और बीके रितु ने कहा कि हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। सूरत के वराछा सेवा केंद्र पर 8 से 15 साल के बच्चों के लिए बाल व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन। 3 दिवसीय शिविर के समापन सत्र में पूर्व डिप्टी मेयर छाया भुआ, डॉक्टर परेश, डॉक्टर शोभना, एडवोकेट मुकुंद और सेवा केंद्र प्रभारी बीके तृप्ति ने ज्ञानवर्धक बातें बताई। मानसिक शांति और तनाव मुक्ति के लिए मेडिटेशन भी सिखाया। प्रेमनगर सेवा केंद्र के द्वारा 4 दिवसीय बाल व्यक्तित्व विकास शिविर आयोजित। इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष डॉक्टर अंतिम जैन, योगाचार्य विनोद जैन और प्रदीप जैन, प्रेमनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शशि, उप सेवा केंद्र प्रभारी बीके यशोनी ने बताया कि यदि हमारा शरीर और मन स्वस्थ होगा तो हमारी बुद्धि सही दिशा में चलेगी। माउंट आबू के ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में माउंट आबू द्वारा निशुल्क सर्जरी संबंधित परामर्श शिविर का आयोजन। श्री आदिनाथ फतेह ग्लोबल आई हॉस्पिटल के अनुभवी लेप्टोस्कोपिक सर्जन ने पथरी, अपेंडिक्स,
आंतों की गांठ जैसे कई बीमारियों की जांच का दिया उचित परामर्श। डॉक्टर अमित मोहन, ललित गुर्जर समेत अनेक चिकित्सकों के सहयोग से संपन्न। पुणे के मीरा सोसाइटी सेवा केंद्र की बीके विद्या ने सांसद और बीजेपी नेशनल महिला मोर्चा की उपाध्यक्षा डॉक्टर मेधा कुलकर्णी से की मुलाकात। ईश्वरी साहित्य भेंट कर सेवा केंद्र पर आने का दिया निमंत्रण। ग्वालियर के मालनपुर सेवा केंद्र में चल रहे समर कैंप का समापन। सूर्या कंपनी से HR GM मुकुल चतुर्वेदी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति ने अपनी दिनचर्या को सेट कर जीवन को खुशहाल बनाने की कही बात। बीके सहदेव ने कराई कई गतिविधियां। कोलकाता के बारा नगर सेवा केंद्र में बच्चों तथा युवाओं के लिए समर कैंप का आयोजन। बच्चों को वैल्यू बेस्ड गेम्स, ब्रेन एक्सरसाइज, डांसिंग, कुकिंग, ड्राइंग, क्राफ्ट और मेडिटेशन जैसे कई गतिविधियां कराई। सेवा केंद्र प्रभारी बीके किरण ने भी रखे विचार। छत्तीसगढ़ के बेलगहना सेवा केंद्र पर योग तपस्या कार्यक्रम का आयोजन। बीके सरला ने मनसा सेवा द्वारा विश्व की आत्माओं को शांति का दान देने की कही बात। मास्टर ज्ञान सूर्य के स्वमान का प्रयोग करने पर दिया बल। हरियाणा के कुरुक्षेत्र सेवा केंद्र पर भारतीय व्यवसायी और OP जिंदल ग्रुप की चेयरपर्सन सावित्री जिंदल ने की शिरकत। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोज ने दी शुभकामनाएं। सावित्री जिंदल ने अपने अनुभव किए साझा। असम में तिनसुकिया के हिजोगुड़ी हिंदी हाई स्कूल में नैतिक शिक्षा से सशक्त नारी विषय पर कार्यक्रम। माउंट आबू से आए वरिष्ठ राजयोगी बीके भगवान, प्राचार्य जितेंद्र प्रसाद शाह, बीके पार्वती, बीके सुमन समेत कई लोग उपस्थित। परिस्थितियों का सामना करने के लिए नैतिक मूल्यों को बताया आवश्यक। बच्चों ने भी साझा किए अनुभव। मूल्यों से चरित्र बनता है, मूल्यों से व्यवहार में निखार आता है। जिसके जीवन में मूल्य ज्यादा है उसकी मूल्य अधिक कीमत ज्यादा है। नैतिक शिक्षा के बारे में कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम के बारे में आप लोगों ने क्या सीखा? तिनसुकिया के ही दिघल तरंग लाइन में टी गार्डन के श्रमिकों को बीके भगवान ने दिया नशा मुक्ति का संदेश। बीके कल्याणी ने आत्मा परमात्मा का दिया सत्य परिचय। नकारात्मक विचारों को दूर कर तनाव मुक्त और नशा मुक्त बनने का संदेश। फास्ट न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।